मसूखान मोबाइल नंबर 91 91 19 60 72 42। कहानी देखे क्या होने वाला है। अरे खुश रहो, ये बताओ मालिक हमारी रियासत में कोई बच्चा या कोई टीचर पढ़ाई तो नहीं कर रहा है? कोई मालिक, सारे टीचर स्कूल तो नहीं पढ़ने जा रहा है? सब नहता है। क्या हमारे खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठा रहा है? कोई नहीं मालिक। ये साला है जी हाँ महाराज प्रताप सिंह का क्यों क्रांति लाने के कीड़े तुम अगर पढ़ लिख जाओगे तो हम जैसे छात्रों के खिलाफ आवाज उठाओगे सच शिक्षित बनने देंगे न संगठित होने देंगे। यही खेतों में काम कराएंगे, वैसा तुमको यूज करेंगे। जाओ मेरी प्यारी शिकुरिया जिसको मैं प्यार से कहता हूँ सोनी, जाओ फौरन बुला करके लाओ। आज कॉलेज का टाइम ज्यादा हो रहा है और मेरी बेटी क्यों नहीं जाओ। एक सूचना आप लोगों से बताना चाहते हैं कि गाड़ी में एक लड़की बंद है, छोटी बच्ची है, जिसकी गाड़ी हो जा करके वो भाई बच्चे को बहुत जल्दी के साथ लाए। गाड़ी में लड़की एक बंद है और नाच जो देख रहे हो कृपा करके अपने गाड़ी के पास पहुंचे। आप लोग मत जाए, उस गाड़ी में कोई बच्ची सुलाए आया होगा और गाड़ी बंद करके नाच देखने आया होगा। वो लड़की अब जागी है तो रो रही है गाड़ी में, तो आओ। धन्यवाद, शुक्रिया बेटी। तो खुशी रहो फूलो फलो और मेरे दिल के Thank you.
ये बताओ क्या है? आज सिर्फ कॉलेज जाने के लिए लेट क्यों हो रहे? पिताजी भी आपसे कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? बोलो बोलो। बेटी मेरी बात को गौर से सुनो। कहिए पिताजी क्या कहना चाहती हैं? दिल लगा करके पढ़ना, मेरा नाम दुनिया में रोशन करना बेटा। पिताजी क्या आपसे कहना चाहते? क्या कहना चाहते? और पिताजी यही क्या बेटा? हाँ पिताजी बोलो। और पिताजी यही मैं जानता हूँ बेटी, और खुशी से न हो खुद गली बेटी, और खुशी से न हो एक राय सदा अपने पास रखना। क्या तुम जानती हो बेटी? ये बताओ, पहले वालों ने कहा है, इन दिमाग के इंसान वालों ने कहा है, जो बेटी दे सकती है वो बेटा कभी नहीं देगा। आज जो बेटा दे सकता है वो बेटी कभी नहीं। मेरी बात को गौर से सुनो। बेटी अपने माँ पिता की सेवा कर सकती है, बेटा कभी नहीं कर सकता। गाड़ी अपने माँ भी नहीं देता, इसीलिए बेटी मेरा कहना है और संभल करके चलना बेटी, और संभल करके चलना। Thank you.
बाप से पढ़ाई करो, जितना चाहो उतना खर्च करो, मगर ये जमाना खराब है बेटी, इस जमाने में इस दिल को जरा संभाल के रखना। अच्छा नई लड़कियों और नए लड़कों का दिल फिसल जाता है, माता और पिता को जलाल की जिंदगी। मैं जानता हूँ बेटी, मेरी बेटी होशियार होनहार पढ़ी लिखी लड़की है मेरी बेटी, मैं जानता हूँ। आने पाए यही मेरी तुमसे उम्मीद है, जाओ 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 जाओ। कई लोग हो ठीक आए रहे, तुम्हें नहीं मालूम एक बार भी नहीं पढ़ा था क्या? अच्छा ठीक आओ, तुम्हारा रोड पाओ हमारे राहुल नहीं आता है ना, क्या पढ़े लिखे नहीं हूँ क्या? अरे बुद्धू कहीं के मैं भी फाइनल हो गया। अच्छा मालिक दांगन बिटिया फाइनल होई। कितना बुरा हाल है, फाइनल नहीं हो गई, फाइनल फाइनल बीए फाइनल, इसका मतलब मैं बीए पास होकर के आ रही हूँ। यानी मेरी बेटी बीए फाइनल कर चुकी है, यानी बीए की परीक्षा पास कर चुकी है, अब तुम सोचने पर बीए फाइनल। पिताजी ये तो जा ही नहीं, इसकी बात पे क्यों आते? अच्छा बेटे मेरी बात को गौर से सुनो, तो
इस मिर्जापुर बालाघाट में आज तक जितना लगान पड़ता था उसका दोना हिसाब किताब का सिक्का किसान थे क्या पिताजी जमा करवा दो किसानों पे लगान लगाया है बिल्कुल लगान का पैसा तो तू रहा किसान राज दरबार में शकल तक दिखाने नहीं आए पिताजी अगर ये बात है तो जा रहा हूँ पिताजी मैं घड़ी दरबार में बैठ कर आराम करो जिसका बेटा बराबर का जान हो जाए बाप को चिंता करने का कोई जरूरत वादा करते हैं वादा करके जा रहे हैं एक किसान से मैं लगान वसूल करूंगा और अगर किसी ने देने से इनकार किया तो उस किसान को बांध कर तुम्हारे बाद में मिलाकर मिर्जापुर की तरफ प्रस्थान बढ़ा दो यही है मेरा बेटा इसे कहते हैं की सजा हेलो अब तो खर्चा बढ़ चला चला जहां जाया था क्या ठाकुर साहब का खजाना।